नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज में यह वीडियो यूजीसी नेट एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी केवीएस एंड एनवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। इसमें एक तरफ विदेशी यात्री दिया है और एक तरफ टिप्पणियाँ, यानी किस विदेशी यात्री के कौन सी टिप्पणी किया है भारत के प्रति। तो देखिए, इसमें है पहला ए अब्दुल रज्जाक, जो विदेशी यात्री था, इसने क्या कहा था। तो इसने ए का थ्री होगा, यानी यह नगर ऐसा है जिससे ये सब कहा गया कृष्ण आंध्र प्रदेश के जो है अब्दुल रज्जाक, विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये कहा गया है सब, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में सब आए थे। तो अब्दुल रज्जाक ने क्या स्टेटमेंट दिया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, यानी कहा है कि यह नगर ऐसा है जिससे मिलता स्थान नेत्रों ने समूची पृथ्वी पर कभी देखा नहीं, और नहीं जिसके बारे में कानून ने कभी सुना। इसके बाद निकोलो कोंटी, ये जो है टिप्पणी किया था विजयनगर के बारे में, नगर की परिधि 60 मील है और यहाँ लगभग 90,000 पुरुष ऐसे हैं जो शस्त्र धारण करने योग्य हैं। इसके बाद डोमिगो पेस, तो इसने एक सी का फोर है, राजा मझोले कद का है तथा गौरवर्णी है और अच्छी कद काठी है, जो कि दुबलेपन के स्थान पर स्थूल है, जिसके मुख पर चेचक के निशान है। इसके बाद डी वाला जो है दो नंबर होगा, यानी एथेनेसियस निकितिन क्या का टिप्पणी क्या है। तो इसका यह है कि अभिजात वर्ग के लोगों के तथा साधारण लोगों के बीच लोगों के जीवन स्तर में बहुत अंतर था, ये वाला है, यानी दो नंबर। क्वेश्चन नंबर दो, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उस्ताद मंसूर को, पक्षियों का विशेषज्ञ था चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर तीन, मनसबदारी प्रणाली में दुअस्पा सिंहस्पा श्रेणी की स्थापना की थी, ये की थी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर चार है, सम्राट द्वारा नियुक्त पर सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे, क्या कहलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दाखिली। क्वेश्चन नंबर पाँच है, मुगल भारत में बाजार परिवर्तन के समकक्ष कृषि की दूत्र अनुक्रिया विशेषता परिलक्षित होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 17वीं शताब्दी में तंबाकू की पैदावार में तीव्र वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर छह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन व्यापार तथा वाणिज्य संबंधित है सही नहीं है, इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी सही नहीं है इसमें, यानी मीर जुमला तथा शाइस्ता खान आयातित वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, ये सही नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा सब सही है, सर्राफ यानी हुंडी विनिमय पत्र में व्यापार करते तथा अत्यधिक धन अर्जन करते थे, और सी दिया इसमें, मुर्शिदाबाद में जगत सेठ द्वारा कई विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था तथा अत्यधिक धन अर्जन किया जाता था, और डी है इसमें, बीरजी बोहरा ने सूरत पर दबदबा बना लिया था तथा अपने कार्यालय अहमदाबाद आगरा भारत के अन्य व्यापारिक केंद्रों पर स्थापित कर लिए थे, यानी ए सी और डी सही है और बी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर सात है, मनसबदारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई किसके शासनकाल में, इसका आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर आठ है,
निम्न चार महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लड़े गए, अलग अलग क्षेत्रों में लड़े गए, तो उनका सही कालानुक्रम है, तो जैसा कि यहाँ पर डेट हम लिख दिए हैं, चौसा 1547, धर्मत 1658 और हल्दीघाटी 1576 और खानवा 1527 में। तो इस कूट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 9, कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हम जनामा, हम जनामा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठा सेनाओं का नेतृत्व किया था सदाशिव राव ने। क्वेश्चन नंबर 12, रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने बढ़ावा दिया? तो ये बढ़ावा दिया था सदाशिव राव ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, 18वीं शताब्दी में खालसा एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य था, इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका देखिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी कथन इसमें सही है, यानी पहला दिया है सिखों के राष्ट्रमंडल को केवल एक धार्मिक सैन्य तथा राजनीतिक संगठन बनाना, दूसरा दिया है खालसा तथा सिख कुल के प्रशासन को एक जनतांत्रिक स्वरूप देना, और तीसरा दिया है सभी व्यक्तिगत सदस्यों को समान राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक सुविधाएं देना, चौथा दिया असमानता की छाया वाले प्रत्येक विचार को हस्ताहित करना, यानी इसमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संबंधित विख्यात मराठा शासक महादीजी का वंश था? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधिया वंश। क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब में बंदा बहादुर के विद्रोह का कारण था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मुगलों द्वारा सिखों का धार्मिक उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसके मध्य 1731 ईस्वी में वर्णा संधि हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कोल्हापुर के संभाजी छत्रपति तथा सतारा के साहू छत्रपति जी के बीच वर्णा की संधि हुई थी 1731 में। क्वेश्चन नंबर 17, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों से जो सुबेदारियां प्राप्त की वे थीं? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात तथा मालवा। क्वेश्चन नंबर 18 सुमेलित करने के लिए है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था पांडिचेरी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था मंगलोर, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था श्री रंगपट्टनम में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था साल 22 की संधि के द्वारा या 82 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, सही सुमेलित है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1779 से 82 ईस्वी से संबंधित है, तो इसमें इनका जो है सही कालानुक्रम निम्न कूट से चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले सूरत की संधि, फिर पुरंदर की संधि, फिर बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस
भारतीय को अंग्रेजों द्वारा भारतीय सिविल सेवा से पदच्युत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक उद्देश्य था। भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा डी, यानी काली मिर्च तथा अन्य उत्कृष्ट मसालों के व्यापार का अभिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में आंसर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले पंजाब का अधिग्रहण, उसके बाद उदयपुर का, फिर झांसी का अधिग्रहण, लास्ट में अवध अधिग्रहण, यानी 3-1-2-4 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो ये कार्यकाल में हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले पानीपत का तृतीय युद्ध, उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध, उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध और तृतीय बर्मा युद्ध, यानी 2-3-1-4 इसका आंसर होगा। अगर इसमें बात करें डेट का, तो पानीपत का तृतीय युद्ध आप लोग जानते ही हैं कब हुआ था, 1761 में, 1761 में पानीपत का। आप देखिए, दो के बाद तीसरा है तृतीय मैसूर युद्ध, तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 में, और तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था, तो तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1817 या 18 में, और तृतीय बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 या 86 में। तो ये डेट थे, ये डेट से क्रम बैठाएंगे तो 2-3-1-4 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य को फ्रांस को चुनौती समाप्त हो गई? तो युद्ध था वांडीवास का युद्ध, 1760 में ये लड़ा गया था, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1826 में यादवू संधि ने रास्ता साफ किया था। इसका आंसर ए और 2 सही है। अंग्रेज व्यापारियों के लिए आश्वासनपूर्ण संरक्षण का, अंग्रेजों के लिए 1 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का, 1 और 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा नवाब 1856 ईस्वी में अवध के ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजों द्वारा विलय किए जाने के समय पदच्युत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इसमें सही है? इसका आंसर होगा सी, केवल 2 और 4 इसमें सही है दिया है। इसमें देखिए कथन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की भारतीय सिविल सेवा में मौजूद ब्रिटिश तत्व प्रशासन के फौलादी ढांचे के समान है, जो भारत के लिए एक शाश्वत रूप से अपरिहार्य है के परिणाम थे। इसके परिणाम क्या निकले? इंग्लैंड की संसद की घोषित नीति के विपरीत भारतीकरण की प्रक्रिया में मंदता। और चौथा दिया है इसमें, सार्वजनिक सेवाओं के लिए बिठाए गए ली कमीशन द्वारा उदारवादी संतुष्टि, यानी 2 और 4 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, कथन और कारण से है, तो चलिए देखते हैं। इसमें कथन दिया है, अंग्रेजों ने विधि सम्मत शासन की आधुनिक धारणा को भारत में प्रारंभ किया। और कारण दिया है, अंग्रेजों द्वारा भारत में उस समय प्रचलित व्यक्ति भी सिविल कानून को मान्यता प्रदान नहीं की गई। तो इसका आंसर होगा सी, यानी ए सही है, आर गलत है।
तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के आदि से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।